हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज पढ़ने वाले हैं कनरा इंडिकेशन ऑफ ओरल थर्मामीटर के बारे में, मतलब कि जो हम शरीर का तापमान नापते हैं ओरल थर्मामीटर से, उसको किन कंडीशंस में नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि जो ओरल थर्मामीटर होता है उसको कब हमको मुंह में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्लाइंट आर एक्सट्रीमली नर्वस, मतलब कि जो व्यक्ति है जिसके मुंह में हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है तो उस दौरान हमको थर्मामीटर उसके मुंह में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होगा, एक जगह बैठेगा नहीं, वो इधर उधर क्या करेगा, अपनी जगह से अपनी पोजिशन से हटेगा, जिसकी वजह से जो थर्मामीटर हमने मुंह में लगाया हुआ है वो इधर उधर हो सकता है, या फिर वो टीथ से क्रंच भी कर सकता है, उसको दबा सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति में हमको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, तो उस दौरान उसका बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए हमको मुंह की साइड का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है, क्लाइंट आर डिलीरियस, मतलब कि जो व्यक्ति है वो किसी भी तरह की जो बीमारी है उसकी वजह से जो उसका बिहेव है, जो उसका व्यवहार है, वो किसी भी तरह से स्टेबल नहीं है। मतलब अगर वो बहुत ज्यादा बात कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोल रहा है, या फिर बहुत ज्यादा खुश है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो एक जगह स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमको व्यक्ति का टेम्परेचर लेने के लिए जो ओरल साइट होती है उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आएगी, वो फॉल्स आएगी, क्योंकि जब हम उसके मुंह में थर्मामीटर लगाएंगे तो बार बार अपना मुंह खोलेगा, जिसकी वजह से एयर अंदर जाएगी, और जब थर्मामीटर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो सही से नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड है, क्लाइंट और अनकॉन्शियस, मतलब कि जो व्यक्ति है अगर वो अनकॉन्शियस स्टेज में है तो उस दौरान भी हमको मुंह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो नहीं लेना है, क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि वो बेहोशी की हालत में है। तो अगर बेहोशी की हालत में हम किसी के मुंह में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो मे बी उसका जो जबड़ा है या फिर उसके जो दांत है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो दबा सकता है, इधर उधर कर सकता है, या फिर ओपन ही ना हो उसका माउथ। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस व्यक्ति है, तो उसका टेम्परेचर हम मुंह से ना लें। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है, मेंटली कंफ्यूज, मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली कंफ्यूज है, वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे अगर आपने उसको कहा कि अपना मुंह ओपन करो या फिर अपना मुंह खोलो, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कह क्या रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मुंह से नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है, तो फिर जब हम थर्मामीटर उसके मुंह में रखेंगे तो वो थर्मामीटर के साथ कुछ भी कर सकता है, वो उसको अपने दांतों से दबा सकता है, उसको फेंक सकता है, क्योंकि वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति का टेम्परेचर मुंह से नहीं लेना है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है, माउथ ब्रीदिंग, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो माउथ से ब्रीदिंग ले रहा है, मतलब जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है अगर वो मुंह से कर रहा है, तो उस दौरान भी हमको उसका ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, ओरल साइड से नहीं लेना है। तो ये कब होता है, जब किसी भी व्यक्ति का, वैसे नॉर्मल क्या होता है कि हर व्यक्ति नाक से ही सांस लेता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से नजल कंजेशन मान लीजिए हो गया, नाक जाम हो गई, जैसे सर्दी वाली कंडीशन होती है, तो उस दौरान अधिकतर क्या होता है, नाक जाम हो जाती है, तो उस दौरान व्यक्ति मुंह से सांस लेता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी हमको मुंह से टेम्परेचर व्यक्ति का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह से टेम्परेचर लेंगे तो फिर वो सांस कैसे लेगा, क्योंकि जब भी हम थर्मामीटर लगाएंगे तो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा कि अपने मुंह को वो बंद कर ले, तो जब वो ऐसे करेगा तो फिर सांस कैसे लेगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब उसका जो सांस लेने की प्रक्रिया वो मुंह से हो रही है, तब हमें ओरल साइड का यूज नहीं करना है व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को लेने के लिए। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है, एक्सट्रीमली वीक पर्सन हु आर नॉट एबल टू होल्ड द थर्मामीटर अंडर द टंग, अंडर द
टंग, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो थर्मामीटर को जीभ के नीचे रख के उसको होल्ड करने, मतलब कि उसको एक तरह से पकड़ के रखने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो हमको मुंह से नहीं लेना है। क्योंकि जब भी हम थर्मामीटर लगाते हैं तो जो भी क्लाइंट्स होता है, जो भी पेशेंट होता है, उसको हम ये बोलते हैं कि वो जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखे और उसके बाद दांत से नहीं बल्कि ओंठों से जो थर्मामीटर है उसको पकड़ के रखने की कोशिश करे, उसको होल्ड करे। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर वो एबल नहीं है थर्मामीटर को होल्ड करने में अपने ओंठों के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति का टेम्परेचर हमको मुंह की साइड से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है, क्लाइंट आर सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट कफ, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बार बार खांसी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति का भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमको ओरल रूट से नहीं लेना है। इसके लिए हम किसी दूसरी साइट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके साइट्स के बारे में जानना है कि कौन सी ऐसी साइट होती है जहां से हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको खांसी आ रही है, तो बार बार वो खांसने के लिए अपना मुंह खोलेगा, उस दौरान थर्मामीटर बाहर गिर सकता है और जो रीडिंग होगी वो नहीं आएगी। तो इसलिए हमको ऐसे व्यक्तियों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मुंह से नहीं लेना है, मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाना है। नेक्स्ट इसमें एट्थ पॉइंट है, चिल्ड्रन आर अंडर 6 ईयर ऑफ एज, मतलब कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी जो बॉडी टेम्परेचर लेने की साइट होती है, उसमें जो ओरल साइट होती है जिसमें हम ओरल थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। मतलब कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए हमको मुंह में थर्मामीटर लगा के उनका बॉडी टेम्परेचर नहीं लेना है। उसके लिए हम किसी दूसरी साइट का यूज कर सकते हैं, जैसे हम एक्जिला का यूज कर सकते हैं, एक्टल का यूज कर सकते हैं, या फिर ईयर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग साइट प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन हम मुंह में थर्मामीटर लगा के नहीं लेंगे। क्योंकि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि थर्मामीटर किस तरह से होल्ड करना चाहिए, वो बार बार अपना मुंह खोल सकते हैं, टंग को अंदर ही घुमा सकते हैं, तो इसकी वजह से जो रीडिंग होगी वो सही नहीं आएगी और थर्मामीटर लगाना हमारा बेकार हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों में हमको थर्मामीटर मुंह में नहीं लगाना है। नेक्स्ट इसमें नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट है, क्लाइंट हु हैव इंजरी, मतलब कि जो व्यक्ति है जिसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं, अगर उसके मुंह में किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है, या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब किसी भी तरह की कोई सूजन हुई है, या फिर उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो थर्मामीटर होता है उसको हमको मुंह में नहीं लगाना है। जो व्यक्ति होता है उसका बॉडी टेम्परेचर हमको ओरल रूट से नहीं लेना है। तो ये ऐसे 9th रीजन होते हैं, ऐसे 9th कारण होते हैं, ऐसी 9th कंडीशन होती हैं जिनमें हम मुंह के थ्रू जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नहीं लेते हैं, मतलब जो थर्मामीटर होता है उसको मुंह में नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं और अगर आप ओरल रूट से ले रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे कंट्रा इंडिकेशन है जब आप ओरल रूट से उस व्यक्ति का टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।